दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro का Asus ZenFone Max Pro M2 के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे कि ये किस चीज़ का कंपेयर कर रहे हो, Redmi Note 7 Pro तो क्लियरली विनर है। बट दोस्तों जब मैंने इस चीज़ को देखा और ऑन द पेपर मैंने दोनों स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखा और चेक किया तो रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ही पता चल जाएगा और शायद मेरे जो मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया है उससे शायद आप भी एग्री हों। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नया है तो इधर नीचे लाइक बटन को दबा देना, शेयर कर देना और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करना, तभी आप लाइक और कमेंट शेयर ये सब कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की। फर्स्ट ऑफ ऑल Redmi Note 7 Pro क्लियरली विनर है अगर आप देखते हैं ऑन द पेपर, लेकिन आप अगर आप इस दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करोगे तो रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाले हैं दोस्तों। मेरे लिए ये डिसाइड कर पाना कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है ये मैं अभी भी क्लियरली नहीं हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या है दोनों में और एक बार आप देख लो, मैंने तो ऐसे देख लिया है। तो चलिए मैं आपके सामने शेयर करता हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिल्ड क्वालिटी की। जी हाँ दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन हाथ में आप अगर फील करोगे दोनों स्मार्टफोन को तो गोरिल्ला ग्लास तो आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। Asus ZenFone Max Pro M2 में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। जी हाँ, फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बट अगर आप बात करते हैं Redmi Note 7 Pro का तो दोनों में आपको फ्रंट और रेयर दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि Redmi को आप किधर से भी गिरा दो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बट Asus ZenFone Max Pro M2 में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 मिलता है फ्रंट में, जो कि तीन टाइम बेटर है, स्ट्रॉन्ग है गोरिल्ला ग्लास 5 के कंपेयर में। तो ये दोनों तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्मार्टफोन में होता है, लुक्स, प्रीमियम लुक। कौन सा लुक बेटर है? 85% लोगों को Redmi Note 7 Pro ही बेस्ट लगेगा। 5 कलर में ये मॉडल आता है तो 85% मेजॉरिटी विंस Redmi Note 7 Pro। लेकिन Asus ZenFone Max Pro M2 अभी पीछे नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, Redmi के कंपेयर में अगर हम Asus ZenFone Max Pro M2 को अगर देखते हैं तो इसमें एक कलर आता है टाइटेनियम लुक, वेरी वेरी प्रीमियम लुक। और मैंने इसको यूज किया, मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आपने Asus ZenFone Max Pro M2 का गिवअवे पे पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ऊपर मैं दे दूंगा, आप वहां जाके देख लेना। मैंने उसका अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है, गिवअवे भी चल रहा है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं टाइटेनियम कलर का, बहुत ही प्रीमियम कलर है। लेकिन मेजॉरिटी विंस Redmi Note 7 Pro, मुझे अच्छा लगता है टाइटेनियम, शायद आपको भी अच्छा लगे। चलिए बात कर लेते हैं वेट की। दोनों स्मार्टफोन हल्के तो हैं ही, लेकिन दोनों में सबसे हल्का कौन है? तो Asus ZenFone Max Pro M2 आपको 175 ग्राम्स का मिलता है, जिसमें कि 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। फिर भी अगर हम देखते हैं Asus के कंपेयर में Redmi Note 7 Pro को, वो 186 ग्राम का है, जिसमें आपको 4000 mAh बैटरी मिलती है। बहुत ही टफ है दोस्तों दोनों फ़ोन में डिसाइड कर पाना। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले दोनों में आपको जो है डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, बट फ्लैश लाइट जो है आपको फ्रंट में वो आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन Asus ZenFone Max Pro M2 में आपको फ्रंट में फ्लैश लाइट है। प्लस अगर हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो IPS डिस्प्ले आपको Asus ZenFone Max Pro M2 में मिलेगा और Redmi Note 7 Pro में जो आपको LTP स्क्रीन, जो कि अभी बहुत ही अच्छा है, वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं फुल HD के, तो 6.26 फुल HD आपको देखने को मिल जाएगा Asus ZenFone Max Pro M2 में, और Redmi में अगर बात करें तो 6.3 फुल HD आपको ये डिस्प्ले देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो डिस्प्ले के मामले में Redmi Note 7 Pro काफ़ी अच्छा है Asus ZenFone Max Pro M2 से। लेकिन यहाँ पे
ASUS ZenFone Max Pro M2 क्लियरली विन है। क्यों? प्राइस के मामले में, प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। प्राइस की अगर बात करें, ASUS ZenFone Max Pro M2 जिसका 3GB और 32GB वाला वेरिएंट है, प्राइस ड्रॉप होने के बाद ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा परमानेंटली 9999 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, 9999 रुपये में 3GB 32GB 4GB 64GB की बात करें तो ये आपको 11999 रुपये में मिल जाएगा। 6GB 64GB की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 13999 रुपये में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं Redmi Note 7 Pro के, तो 4GB 64GB आपको देखने को मिल जाएगा 13999 रुपये में। दोस्तों अगर अभी मेरे पास स्मार्टफोन हो, ख़रीदना हो, और अगर मेरे पास 15,000-14,000 के रेंज में मेरे पास पैसे हो, तो मैं कौन सा फ़ोन लूँगा? क्लियरली मैं फ़ोन लूँगा Redmi Note 7 Pro। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे पास 8 से 10 का बजट है, तो मैं ASUS ZenFone Max Pro M2 की तरफ ही जाऊँगा। चलिए बात कर लेते हैं, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको ASUS ZenFone Max Pro M2 में डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैंने Realme में भी बताया था आपको कि इसमें आपको 2 सिम कार्ड प्लस 1 मेमोरी कार्ड लगाने के ऑप्शन मिलता है, लेकिन Redmi में आपको स्लॉट मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगता है दोस्तों। लेकिन Redmi में आपको एक चीज़ और देखने को मिलता है, जो कि है USB Type-C, जो कि आपको ASUS ZenFone Max Pro M2 में देखने को नहीं मिलता है। तो क्लियरली विन इस मामले में भी Redmi ही है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अभी लाइक करो, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे भी पता चलेगा और इससे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है कि आप हमारे वीडियो को देखते हो और लाइक करते हो। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस किसका अच्छा है। क्लियरली यहाँ पे भी Redmi Note 7 Pro जीत जाता है, क्योंकि इसका प्रोसेसर है Snapdragon 675, जो कि काफ़ी बेस्ट है ASUS ZenFone Max Pro M2 से। ASUS ZenFone Max Pro M2 में आपको देखने को मिल जाएगा Snapdragon 660, दोनों प्रोसेसर AI सपोर्ट करता है, लेकिन 675 बेटर है 660 से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप गेमिंग करते हो, ज़्यादा समय तक गेमिंग करते हो, तो आपको 675 प्रोसेसर तो अच्छा है, लेकिन Redmi में काफ़ी हीट होता है दोस्तों, फ़ोन जो है काफ़ी गर्म होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh क्लियरली विन ASUS ZenFone Max Pro M2 और Redmi Note 7 Pro आपको देखने को मिल जाएगा 4000 mAh बैटरी के साथ। लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट Redmi Note 7 Pro में है, ASUS ZenFone Max Pro M2 में ये सपोर्ट नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं OS की। Redmi Note 7 Pro जो कि आता है MIUI 10 के साथ, जिसमें कि बहुत सारे एड्स होते हैं, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं एड्स। Redmi Note 7 Pro का ये Pro सीरीज और एक्चुअली मैं प्रो सीरीज की बात नहीं करता हूँ, मैं MIUI 10 की ही बात करता हूँ। एड्स की बहुत सारे दिक्कत है, मुझे बहुत ही बकवास लगता है। सबसे फेवरेट ASUS ZenFone Max Pro M2 में आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, जो कि मेरा फेवरेट है और शायद आपका भी होगा। Redmi के फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है कि एड्स का जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ASUS को काम करना चाहिए अपने पाई अपडेट में, जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में आउट ऑफ द बॉक्स पाई मिलता है, लेकिन आपको ASUS में ओरियो को मिलता है। तो ASUS की टीम अगर इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ अपडेट करो और अपने सॉफ्टवेयर को बहुत जल्दी अपडेट करो। सिक्योरिटी पैचअप आप अपडेट कर रहे हो, बट OS को अभी तक आपने अपडेट नहीं किया। जनवरी फरवरी में आपने देने को बोला था, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो इस चीज़ पे देखना। हाँ, बात कर लेते हैं अगर हम MIUI 10 की, तो उसमें एड्स आते हैं, तो मैं MI के टीम को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने ये ऐड वाले फीचर्स को, जो डिस्टर्बेंस होती है बहुत लोगों को, तो उस चीज़ को आप क्लियरली हटा दो, और उसका कोई भी ऑप्शन अगर फोटा के थ्रू है तो आप उस चीज़ को क्लियर करो। तो दोस्तों बात हम कर लेते हैं कैमरा की।
तो कैमरा के मामले में तो आप कहोगे कि Redmi Note 7 Pro क्लियरली विनर है। जी हाँ दोस्तों, बात आपने सही की। Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा, जी हाँ प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 48 मेगापिक्सल का एपरेचर है 1.5। और अगर हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी कैमरा जो कि 5 मेगापिक्सल का है, जिसका है 2.4। फ्रंट कैमरा की अगर बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल आपको फ्रंट कैमरा मिलता है, जिसका एपरेचर है 2.0। बात कर लेते हैं अगर हम Asus Zenfone Max Pro M2 का, तो 12 प्लस 5 मेगापिक्सल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसका फ्रंट का जो कैमरा है वो भी आपको 13 मेगापिक्सल वहां पर भी देखने को मिल जाएगा, उसका एपरेचर 2.0 है। तो ये तो दोनों में कंपेयर मैंने आपको करके बताया था, लेकिन दोनों में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ देखने को मिल जाएगी जिससे आपको देखने के बाद ये लगेगा कि Asus भी बहुत ही ख़राब फ़ोन नहीं है। आपको अगर एक तरफ आपको Gorilla Glass 6 है, स्टॉक एंड्रॉयड है, 5000 mAh की बैटरी है, तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा USB टाइप सी, फास्ट चार्जिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं Redmi Note 7 Pro में। क्लियरली विन ऑडियंस सब कहते हैं Redmi Note 7 Pro को, लेकिन बहुत सारे लोग Asus Zenfone Max भी ख़राब नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ इस चीज़ को कि हाँ Redmi Note 7 Pro क्लियरली विनर है, लेकिन कह के भी मेरा मन दोस्तों नहीं मान रहा है Asus के प्रति। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आपने हमारे गिवे में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईफोन का भी गिवे चल रहा है और Asus Zenfone Max Pro M2 का भी गिवे चल रहा है, बहुत ही जल्द दोनों का अनाउंसमेंट होने वाला है। वेट कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।